अतुल पाटिल जी, जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी। अनाप शनाप बकते हैं, उनको पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं अनुराग ठाकुर। परिवार से आते हैं, नहीं तो गांव के पंचायत का सदस्य भी नहीं बन पाता। इनके पिताजी के नाम के बदौलत ही आए हैं और ये दूसरों के परिवारवाद का आरोप लगाते। ये वही अनुराग ठाकुर है गोली मारो सालों को कहने वाले, सांसद मंत्री है, शर्म नहीं आती इन्हें, और यहाँ आकर बात कर रहे हैं। इसी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच पर कड़ी टिप्पणी, कड़ी आपत्ति जताई और बीजेपी के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नपुंसक इंपोर्टेंट गवर्नमेंट जो है वो कहा, क्योंकि इनका ही है विधायक यहां आता है, हेट स्पीच करता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का गुनाह जो है वो महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार दाखिल नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है और सुप्रीम कोर्ट इतनी गहरी टिप्पणी जो है वो टिप्पणी पारित करती है। क्या हुआ अमृतपाल सिंह, किसके जमाने में हुआ है? हमारे जमाने में हुआ तो उसकी माफी मांगी गई, उसके बाद इस देश में पंजाब में कई बार कांग्रेस की सरकार बनी, चीजें सही करने की कोशिश की गई। 80 के दशक में जो होता था वो इनकी ही करनी है, क्योंकि ये मनुवादी लोग जो है वो आदिवासियों और दलितों को अपने बराबर का इंसान नहीं मानते, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इनके खिलाफ कहना पड़ा कि मैं हिंदू हिंदू धर्म में जन्म तो जरूर लिया है लेकिन हिंदू करके मरूंगा नहीं। 56 में उन्होंने अलग जो है बौद्ध धर्म जो है वहां स्वीकारा हमारे नागपुर में। ठीक है सर, आपकी बात समझ जो चीजें हुई उसके अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जांपल दिया जा रहा था कि देखिए कितने बड़े अच्छे नेता रहे और उनके नेतृत्व में ऐसा ऐसा हुआ, अब वही अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी की सरकार मनुवादी हो गई। लेकिन विशाल मिश्रा जी, अगर राहुल गांधी जाकर विदेशों में अपनी बात रखते हैं तो इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? उनको भी कहने का हक है, उनकी भी लब आजाद है, वो जाकर बोलेंगे तो उसको लेकर देश के भीतर इतनी ज्यादा उहापोह और इतना ज्यादा आक्रमण क्यों? देखिए चित्रा जी, आप लब आजाद हैं, बिल्कुल आजाद हैं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप देश के बाहर जाकर आप देश के अंदर की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हैं। अभी कर्नाटक चुनाव आया, रिजल्ट आया, हम सभी ने देखा, नहीं हम सभी ने देखा, बात हो जाए फिर मैं आ रही हूं, हम सभी ने देखा, जब आप जीतते हैं तो सब कुछ सही होता है। अभी यही अगर भारतीय जनता पार्टी जीती होती तो ईवीएम का रोना शुरू हो जाता। सवाल ये उठता है, कहा जाता है लोकतांत्रिक संस्थाएं, इसके पहले स्टेटमेंट था खतरे में है जब यूके में थे, उसके पहले के भी कई जगह के डिबेट्स हैं, वो स्पीचेज हैं। सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप मुझे अभी आप कह रही थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मीडिया ने कैसे कवर किया, मुझे याद है कि आप ही के चैनल पर हम डिबेट पर थे और जब लाल किले पर माननीय राहुल गांधी जी का वो स्पीच शुरू हुआ था और तब आपने और तब शायद डिबेट रुक भी गई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय कि आपको तब बोलने की आजादी नहीं थी? तब आप किस आजादी से बोल रहे थे? न्यायपालिका पर सवाल करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है, तब सरकार का कब्जा नहीं था जब 300 से अधिक बार इमरजेंसी लगाई गई थी, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था राज्यों में, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था? जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था? 1951 में आजाद के सदस्यता रद्द करवा देने आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो देखिए पहला ऐसा मामला होगा हिंदुस्तान में कि किसी सांसद की मानहानि के केस में सदस्यता चली जाए। तो आप मुझे बताइए कि अभी आज स्टेटमेंट आया, मैंने जो है कहीं पर सुना है कि वो कहा गया वो जो नई संसद बनी है उसको मॉन्यूमेंट ऑफ कुछ क्या नाम दिया गया है, इस तरीके से मतलब स्टेटमेंट दिया गया है। ये सामंती सोच नहीं है। आपके खिलाफ अगर केस हुआ था तो आपको पैरवी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं अब आज आप सरकार दोष को देते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी व्यक्तिगत जो है मनभेद हो सकता है मान्यवर, लेकिन बार बार इस तरीके से भारत जो लोकतंत्र की जननी है, जिसने लोकतंत्र को दिया, दुनिया को दिखाया, आप उस लोकतंत्र के ऊपर सवाल करते हैं बार बार। जरा आनंद दुबे को भी लेकर आते हैं। 10 सेकंड और, अभी यहाँ पर एक और प्रवक्ता नहीं, नई संसद के ऊपर बोल रहे थे मान्यवर, आप मुझे ये बताइए, आप नई संसद पर बोल रहे थे, अरे आपको तो उस दिन देश के साथ एक अपने आप को दिखाना चाहिए था, आपने क्यों बहिष्कार किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आने वाले कल में आप संसद बनेंगे तो आप संसद में नहीं बैठेंगे? बताइए हमें, आप आपके घर परिवार मित्र पार्टी के लोग जीत कर आएंगे तो संसद में नहीं बैठेंगे? ये कौन सी बुद्धिमानी है? अगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी गीता के उस श्लोक को चरितार्थ करते हैं कि योगा कर्म सु कौशलम, क्या दिक्कत है हमें आपको? अगर नई संसद बनी तो 11 करोड़ लोगों के घर भी बने,
अगर नई संसद बनी तो 30,000 पंचायत भी बने, अगर नई संसद बनी तो 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना भी दी गई। इस बात का भी संतोष आपको होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप केवल विरोध, केवल विरोध। मैं पूछता हूँ आपके नेता ने संसद की सदस्यता जाने से पहले लोकसभा में कितने दिन बहस में चर्चा लिया था, मुझे आप बताइए कितने घंटे लोकसभा में सदस्यता जाने से पहले उन्होंने संसद की चर्चा में बहस लिया था। आम आदमी का टैक्स पेयर का पैसा, आप विपक्ष में हैं तो आपकी भूमिका होती है रचनात्मक, रचनात्मक लेकिन आप तकती लेकर हर बात पर बॉयकॉट, हर बात पर बॉयकॉट। आप वाली बात हो तब बॉयकॉट नहीं, लेकिन जैसे ही रचनात्मक बात होने लगे बॉयकॉट बॉयकॉट आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। ठीक है अतुल जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आनंद दुबे जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अतुल जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो गिना रहे हैं कि 9 सालों में है। मुझे मुझे विशाल जी के विशाल हृदय से आज एक अपील करना है, कुछ सवाल पूछने हैं मोदी जी, क्योंकि इन्होंने कहा है भारत लोकतंत्र की जननी है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रेय देते हैं, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन एक सवाल पूछता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जब चुन के आते हैं और विदेश में जाकर धरती पर कहते हैं कि इस देश में जन्म लेना बुरा लगता था, अरे यार ले लिया, ये टिप्पणी करते हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री। जब सोनिया जी को दो दो बार मैंडेट मिला, पहली बार मैंडेट मिला, अभी सुषमा जी नहीं है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती है तो हमारे बाल मुंडवा लेंगे, फिर भी बेल्लारी से लोगों ने चुनकर दिया था। ये तरह के स्टेटमेंट फिर क्या तब लोगों का अपमान नहीं हुआ था, लोगों ने चुनकर दिया था, उनके नेतृत्व में दो दो बार चुनाव हुए थे, तब नहीं हुआ था। कॉलेजियम के बारे में किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे, उन्होंने कितनी बार टसल लिया है, देशद्रोही तो कहा इस देश के जजेस को, ये बातें विशाल जी ने बतानी चाहिए देश के सामने, बतानी चाहिए विशाल जी ने जरूर कि इस देश का प्रधानमंत्री जब बाहर इस तरह से देश की बदनामी करता है तो क्या होता है, और इंडियन डायस्पोरा के सामने वो बोले तो देश की बहुत इज्जत बढ़ती है, देश का बहुत सम्मान बढ़ता है। तो कभी टिप्पणी नहीं हुई, वहां से आने के बाद पांच राज्यों के विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में बैन कर दिया, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, किरण रिजिजू की चर्चा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। अरे चर्चा होने से किसने मना किया ना, बिल्कुल इसी वजह से तो समान स्पेस सभी को मिलता है। अतुल जी वही तो बात है, आपने कह दिया नेहरू जी ने लोकतंत्र की जननी का श्रेय आपने उनको दे दिया। सर वैशाली जो मृत्युंजय तिवारी जी बिहार के बिहार से बैठे हुए हैं, जरा वैशाली के गणतंत्र को भी थोड़ा सा इसका श्रेय दे दीजिएगा आप लोग। ये लोकतंत्र की जननी हिंदुस्तान आज नहीं बना है, और थोड़ा सा इतिहास और पढ़ेंगे तो हम ज्यादा समृद्ध हो पाएंगे। लेकिन आनंद दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए ठीक है सर, ऋग्वेद से बात कर लेंगे सभा, तो बिल्कुल सर आपको बात करनी चाहिए, हिंदुस्तान कितना समृद्ध रहा है वो आज का बना हुआ नहीं है।